चुप बिग बॉस, चुप, बिल्कुल चुप। क्या कर रहा है तू? हैं? कटारिया को बाहर कर दिया, तेरी इतनी औकात। असल में तेरी औकात हम सबको पता चल गई, तू क्या कर रहा है पूरे गेम के अंदर ये पता चल गया बिग बॉस। तेरी ना हिल गई है, जितने भी यूट्यूबर्स है ना उससे तेरी हिल गई। बिग बॉस की सच्चाई, बिग बॉस स्कैम, बिग बॉस से बड़ा स्कैमर शायद पूरे इंडिया में कोई नहीं होगा। बिल्कुल सच है, सुनकर हैरानी हो रही होगी ना आप लोगों को, हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। मतलब बिग बॉस टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी, सिर्फ टीआरपी के लिए, मतलब टीआरपी के लिए बिग बॉस कुछ भी करा लो। मतलब गेम के अंदर किसको रखा है? सना मकबूल भैया, सना मकबूल को रखा है, रणवीर को रखा है, नेजी को रखा है, साई केतन को रखा है। ये टुच्चे लोग, ये टुच्चे लोग बिग बॉस के टॉप 5 में पहुंचने वाले हैं। अरे शर्म करनी चाहिए बिग बॉस, तुमको शर्म करनी चाहिए। आज पूरा देश जान चुका है कि तुमने कितना बड़ा स्कैम किया है। लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हारे इस स्कैम से ना एक सच्चाई सामने आ गई है कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। तुमने ये जता दिया कि तुम सब बॉलीवुड वालों की हिल गई है, बिल्कुल हिल गई है। इसीलिए तो यूट्यूबर्स को अपने गेम से बाहर कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इन यूट्यूबर्स की पावर कितनी है, कितने ताकतवर हैं ये लोग, है ना, इनकी कम्युनिटी कितनी पावरफुल है। ये बात बिग बॉस ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉलीवुड अच्छी तरीके से जान चुका है। और इसीलिए उन्होंने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो शिवानी रही हो, चाहे वो भैया लोकेश भाई रहे हों, चाहे वो विशाल पांडे रहे हो, सभी को लाइन से बाहर कर दिया, क्योंकि उनको डर है इस बात का कि कहीं ये लोग ट्रॉफी जीत ना जाएं। और फिर भैया सिंपल सी बात है, अगर कोई यूट्यूबर फिर से ट्रॉफी जीता तो फिर इनकी थूथू होगी पूरे बॉलीवुड के अंदर, पूरे मुंबई के अंदर। और कोई भी मुंबई का एक्टर टीवी सीरियल कभी भी किसी भी बिग बॉस पर आना पसंद नहीं करेगा। और सिर्फ यही रीजन है कि बिग बॉस ने इतना गंदा गेम खेला है यूट्यूबर्स के साथ में। लेकिन एक तरफ ये भी है कि इन हम लोग को पता चल गया कि ये कितने पानी में है। आज की डेट पर सोशल मीडिया नंबर 1 पर है, ये तुमने प्रूव कर दिया बिग बॉस। लेकिन ये अनफेयर गेम जो तुम खेल रहे हो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देश की आवाम के साथ धोखा है ये जो तुम बिग बॉस दे रहे हो। हम लोगों ने अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया, कंटेस्टेंट ने अपनी पूरी ऑडियंस दी तुमको, लेकिन तुमने उसका नतीजा क्या दिया, क्या दिया उन कंटेस्टेंट्स को, जिनकी वजह से तुम्हारे बिग बॉस के शो को लोग देखने आ रहे थे, तुम्हारी टीआरपी बढ़ रही थी, उन्हीं को निकाल के बाहर कर दिया। यही सच्चाई है तुम्हारी, ए बिग बॉस, बोल बोल बिग बॉस बोल। तुमने जो दोगला पंती दिखाई है ना अपने शो में, कसम से कह रहे हैं साला, पूरे इंडिया को ये हम चेतावनी देते हैं कि बिग बॉस जैसे कोई भी रियलिटी शो ना देखे जाए। हमेशा से मुंबई में, हमेशा से बॉलीवुड में लोगों के साथ यही हुआ है, लोगों का शोषण हुआ है, और अब बिग बॉस इन यूट्यूबर के साथ शोषण कर रहा है। मैं सभी यूट्यूबर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज अपने फेम को बढ़ाने के लिए इनके शो में कभी ना जाएं, क्योंकि ये आपके फेम को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जैसे विशाल के साथ हुआ कि एक अच्छा इज्जतदार इंसान को भरी समाज में करोड़ों लोगों के सामने तमाचा मारा गया, ऐसा उसका दिखावा खिलावा किया जा रहा है लोगों के जीवन के साथ, लोगों के पेशेंस के साथ, लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है बिग बॉस के अंदर। गलत है, 100% गलत है। शिवानी बाहर हुई मुझे कष्ट हुआ, विशाल बाहर हुआ मुझे कष्ट हुआ, लोकेश को भी तुमने बाहर कर दिया। मतलब फुल टारगेट बना के बैठे हो कि जितने यूट्यूबर्स हैं सबको बाहर कर दोगे। अबे जब तुमको बाहर ही करना है तो गेम में लिया क्यों, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए? अरे तुम्हारी टीआरपी तो उन्होंने बढ़ा दी यार, उसके बाद भी तुमने गेम को बाहर कर दिया। अरे हमारे देश में ना एहसान जब कोई किसी पर करता है ना, पूरी जिंदगी उसके एहसान का कर्ज हम लोग नहीं चुका सकते, लेकिन तुमने बिग बॉस ऐसा गंदा गेम खेला है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ में और उनकी ऑडियंस के साथ में कि मैं चाह कर भी आज चुप नहीं रह पाया। दोस्तों मैं दोस्तों ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, लेकिन मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इतना बड़ा धोखा ना हो, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बिग बॉस ने बहुत बड़ा स्कैम किया है इस बार, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो बिग बॉस के बाप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।